सर कल आपकी जी एम सेदर मार्केटिंग खुरम शजा साहब हाँ से मुलाकात हुई है तो मुलाकात के वाले से बताइए क्या आपकी मुलाकात हुई क्या गुफ्तु हुई ये कह सकते हैं कि आप आंखें बंद करकेकबीर ओच में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिसमान रहीम प्रोग्राम प्राप्ति हुए निज़ाम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ़ हसन हमारे आज के मेहमान हैं किसी तौरफ के मोहताज नहीं है मोहम्मद इरफान मीं ट्रस्ट एसोसीिएट के सी हैं और सबका वाइस चेयरमैन डी एच एजेंट एसोसिएशन के अरसा रास्ते प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं और उनका बड़ा पॉजिटिव इमेज है प्रॉपर्टी सेक्टर पर और बड़ी गहरी नजर रखते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में और अलकबीर ओश में इनको अल, अल कबीर ओशर्ड के अथोर ये सेल्स पार्टनर भी हैं और चौधरी औरंगजेब साहब के साथ भी इनके चौधरी औरंगज़ेब चौधरी औरंगज़ेब के साथ भी इनके बड़े से तल्लक हैं खुरम शजा साहब के भी साथ इनके बड़े से तल्लक हैं तो आइए इनसे जानेंगे मज़े जानेंगे कि अल अलकबीर ऑर्शर्ड में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसमें प्रिंट मीडिया में भी इनके ऐड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर भी इनके ऐड्स चल रहे हैं असल सर कैसे हैं आप जी वालेकुम सलाम जी जनाब अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक सर आप तो वैसे तो आप प्रॉपर्टी में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तो आपने अभी अलकबीर ऑर्शर्ड के आप अथोरइज़ सेल्स पार्टनर हैं तो आपने क्या ऐसी खास बात देखी जो आपने अलकबीर ऑर्शोड में काम करने के लिए आपने सोचा आपने जी बिसमीम सबसे पहले तो अलकबीर औरड जनाब जो मैंने देखा कि चौधरी औरंगज़ेब साहब जो चेयरमैन है अलकबीर टाउन के वो ज़बरदस्त डिलीवर कर रहे थे फ़ेज़ वन उन्होंने डिलीवर किया फिर उसके बाद फेज़ टू डिलीवर किया उसके बाद किंग्स टॉन डिलीवर किया फिर मरीम टाउन अभी डाउन पेमेंट पे लोगों को पोजिशन दे रहे हैं इसी तरीके से किंग स्टोन में उन्होंने डाउन पेमेंट पर पे लोगों को पोजिशन दिए थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट गई थी उसके बाद अब अगला उनका प्रोजेक्ट आया हुआ है एग्जैक्टिव ब्लॉक के बहुत ज़बरदस्त वो भी है उस पर भी वो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और बहुत जल्द वो कह रहे हैं जी डाउन पेमेंट पर पे ही उस पर भी पोजिशन दे, दे देना कि राइवेंट रोड जो है वो थ्री लाइन बनने जा रहा है इसलिए अलकबीर टाउन जो है अल्लाह के फजलो करम से एक आ, लाहौर के अंदर एक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी बनी है जिन्होंने लेवर मिडिल क्लास लोगों के लिए भी तीन मरले के पाँच मरला दस मरला छोटे घरों से और छोटे प्लॉट से काम शुरू किया और उन लोगों की उनको दुआएं लगी हैं चौधरी औरंगज़ेब साहब से जितनी दफ़ा मेरी मुलाकात हुई हमेशा वो कहते हैं इरफान भाई मैं हमेशा मिडल लोअर क्लास लोगों के लिए काम किया है अब वो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि चलो उनको भी साथ लेके चलना है जैसे कि अभी उन्होंने नई डील दी हुई है आजकल फ्रेश अलकबीर ऑर्चड में उन्होंने तीन मरले का साढ़े दस लाख का प्लाट दिया कि पूरे लाहौर में किसी गाँव में भी नहीं मिलता ये बिल्कुल हकीकत बात है और साढ़े हजार पर मंथ इंस्टॉलमेंट है उसके बाद सत्रह लाख पचास हजार का उन्होंने प्लॉट दिया है पांच मरले का पांच मरले का प्लॉट साढ़े सत्रह लाख का यह है कि पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलता स्मार्ट सिटी उसके साथ है बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है आ, स्मार्ट सिटी एस ए गार्डन उनके रेट आप देखें दस दस पंद्रह पंद्रह लाख इस सोसाइटी से ज्यादा है मगर चौधरी साहब से जब बात हुई कि आप इतने कम प्राइस पे ये सारे प्लॉट्स के रेट वगैरह दे रहे हैं तो ये डेवलपमेंट कैसी होगी उन्होंने कहा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड यानी कि जो सोसाइटी है बहरिया टाउन एज़ कम्पेयर टू सिटी हाउसिंग एम कम्पेयर टू जितनी स्मार्ट सिटी लगा लें जितनी बड़ी सोसाइटियाँ अच्छी सोसाइटियाँ जैसे पार्क एवन्यू है जैसे और सोसाइटियों का मैं नाम लूँ कहते हैं कि सेम उसी पैटर्न पर मैं इनशाला डेवलपमेंट करूँगा और बड़े रोड भी दूँगा और उसमें मेन ब्लू आर्ट जी टी रोड से वो निकालने जा रहे हैं इस टाइम और जामिया मस्जिद का भी वो अलहमदिल्ला से संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज मेडिकल अपना जो है हॉस्पिटल और उसके अलावा ये को जितने यूनिवर्सिटी वगैरह हैं और ये थीम पार्क ये सारी चीज़ें काशिफ भाई मैं कह रहा हूँ ये ज़बरदस्त और मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है लाहौर की तारीख का ये जो मेगा प्रोजेक्ट और और साथ साथ मैं ये नाजरीन को बताता चलूँ कि बिज़नेस हब बनने जा रहा है अलकबीर औरचर्ड जो है ये काला शाह काकू एंटरचेंज जो है के एस के एंटरचेंज ग एंटरचेंज जो है ये बिल्कुल उसके साथ एक दो किलोमीटर पे ये सोसाइटी है और ये बिजनेस हब बनने जा रहा है और इन पूरे लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान के रियल्टर जितने हमारे भाई वो वहाँ फ़ख्र महसूस करेंगे अपना ऑफिस बनाने के और इनशाला वो वहाँ ऑफिस बनाएंगे और वहाँ पूरे पाकिस्तान का वहाँ से ट्रेड करेंगे बिजनेस ट्रेड होगा अल्लाह के फजल से तो सर आप ये कह सकते हैं कि आप आंखें बंद करके में इन्वेस्ट कर सकते हैं जी जी बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ मेरी मैं बिल्कुल मैंने ख़ुद पहले तसल्ली की है और उनके पास ज़मीन मौजूद है लैंड मौजूद है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन बाइंग की हुई है और हज़ारों एकड़ में की हुई है अलहमदिल्ला ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ तो इसलिए मेरा दिल और ज़मीर मुतमिन है और मैं आपको पता है काशिफ़ भाई हर सोसाइटी में मैं बिज़नेस नहीं करता आपको भी आइडिया इस बात का जाता ज़रूर इवेंट वग़ैरह पर क्योंकि सियासी लेवल पे मेरी मजबूरी है दोस्त बुलाते हैं तो हर सोसाइटी के फंक्शन में तकरीबन जाना पड़ता है तो बट बिजनेस में कहीं कहीं करता हूं कि जैसे पार्क एवन्यू सोसाइटी में मैंने अलहमदिल्ला बिजनेस किया जैसे अल अल अब कबीर टाउन है इसमें अभी बिजनेस में कर रहा हूँ और उधर भी अलहमदिल्ला पार्क एवन्यू में भी बिजनेस कर रहा हूँ प्लस में डी एच ए का तो आपको पता अलमदिल्ला मैं प्रॉपर बिजनेस करता हूँ डी एच ए लाहौर का और अदर सोसाइटीज़ का भी काम करते हैं ऐसी बात नहीं कोई पाबंदी नहीं है पूरे पाकिस्तान की जो अच्छी सोसाइटी है रियल स्टेट सेक्टर में हम अलहमदल्ला सबका काम करते हैं मगर जेनवन सोसाइटी पर जिनके पास एन ओ सी मौजूद और जमीन मौजूद हो उनके साथ और अच्छे डेवलपर हों वाकई कमिटमेंट वाले लोग अखबार में, में तो और और ट्रस्ट एसोसिएट का नाम नजर आता है तो क्या कैसी क्या खास मोहब्बत है मुझे जैसे एक जो है महबूबा आशिक के साथ मोहब्बत करता है इस तरह आपकी मोहब्बत और अलकबीर ऑर्चर्ड के साथ और जी जी बिल्कुल चौधरी औरंगज़ेब साहब एक निहायती शरीफ और इंसान है अच्छे इंसान है जब भी मैं उनसे मिलाऊं बिलीव करें मैं तो सही बात बता रहा हूँ उनसे जो है ना दीन के हवाले से और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सहाबा कराम के हवाले से एक अच्छी उन्होंने जब भी पॉजिटिव की किए और उन्होंने कहा है कि लोगों के इसीलिए मैं उनके साथ मोहब्बत में इजाफा हुआ कि वो एक उनका जो माइंड है ना वो एक दीनी लगाव रखता है इस्लामिक के साथ लगाव रखता है और वो इसी तरीके से जब मैंने बल्कि बात की कि ये चलो पॉजिटिव उसमें चली जाएगी कि उन्होंने जब इमरान ख़ान साहब को ज्वाइन किया तो हमने उनको उनके फार्म हाउस पर वेलकम किया तो मेरा यही सवाल था चौधरी साहब से कि सर आप जनाब कि ये इमरान खान साहब को आपने ज्वाइन कर लिया अपनी जो आपकी पार्टी थी आपने आप चेयरमैन थे इंडिपेंडेंट आपकी पार्टी थी तो आपने ज्वाइन इमरान खान उन्होंने कहा मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना है तो इसलिए मैंने उसको ज्वाइन किया उनके ये अल्फाज थे ये बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं मैंने इस विजन के साथ उनका साथ देने का इरादा किया है तो बहरहाल उनकी अच्छी पॉजिटिव सोच है चौधरी साहब की अच्छे इंसान हैं बड़े इंसान हैं और लो लेवल से अलहदुल्ल आज वो यहाँ इस मुकाम पर पहुँचें और वो हमेशा बताते भी हैं कि मैं इस तरीके से आया हूँ आपने सोशल मीडिया पर भी देखा है उनके सारे इंटरव्यू वगैरह तो देखो वो, वो अच्छी बात है जो बंदा अपनी औकात नहीं बोलता तो वो हमेशा बड़ा इंसान होता मैं उसको सलूट पेश करता हूँ चौधरी औरंगज़े साहब को कि वो हमेशा अर्बु अर्बु पति इस टाइम तो माशाल्लाह से और मैं कहूं तो इसमें कोई वो बात बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो बात आपने बिल्कुल सही की उनका जो लास्ट सोशल मीडिया पे इंडो चला था उन्होंने अपनी साइकिल तक दिखाई है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था जी जी। तो सर अभी जो अल्केबीटाउन के अपने वाले से बात की आपने पहले कि वहाँ पे बड़ा काम हो रहा है बड़ा बूम आएगा उसकी क्या वजह क्या नया चल रहा है वहां पे जी सर हर जगह अलकबीर में इस टाइम आप फेस टू की बात करें वहाँ गाड़ी खड़ी करने मैं जाता हूँ फेस टू में उनके वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती क्योंकि इतने रियल्टर इतने डीलर भाई ने वहाँ हमारे भाइयों ने ऑफिसज़ बनाए हुए हैं ज़ाहिर सी बात है ऑफिसज़ वहीं बनते हैं जहाँ वहाँ से बिज़नेस होता है ट्रेड होता है और वहाँ ट्रेडिंग हो रही है इस टाइम लाहौर में मैं देख रहा हूँ बाकी सोसाइटियों में भी बिज़नेस हो रहा है मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा तमाम सोसाइटी में मगर अलकबीर टाउन के अंदर फेस टू में जब मैं जाता हूँ वहाँ की जो मैं रौनकें देखता हूँ बिलीव करें मुझे बहरिया का वो टाइम याद आ जाता है जो दा, दो हज़ार चार पाँच सात आठ दस में वहाँ एक रौनकें होती थी बहरिया टाउन में वही अभी रौनके मुझे फेस फेज टू में नज़र आती हैं अलखबी टाउन के अंदर सर कल आपकी ज, जी एम से मार्केटिंग खुरम शजा साहब से मुलाकात हुई है तो मुलाकात के वाले से बताइए क्या आपकी मुलाकात हुई क्या गुफ्तु हुई जी खुरम साहब माशाल्लाह एक जबरदस्त अच्छी पर्सनैलिटी के ज़बरदस्त इंसान है और वो बिल्कुल जो है कि ज़बरदस्त अलकबीर टाउन को वो लीड कर रहे हैं और ज़बरदस्त यानी कि उनकी जो टीम है वो भी ज़बरदस्त है और खुरम साहब इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इतने ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट जो है ना पहले से चार प्रोजेक्ट डेवलप किए और जिसमें मरीम टाउन में आजकल फ्रेश मैं आपको बात बताता हूँ खुरम साहब ने जो बताया कि मरीम टाउन में डाउन पेमेंट दें तो अपना घर शुरू कर लें प्लाट पर पोजिशन खोल दिया उन्होंने तो ये बड़ी खुशाइन बात है किसी ने प्लाजा बनाना है कमर्शल किंग स्टोन मरीम टाउन तो पोजीशन लें और अपना प्लाजा बनाएं या घर बनाएं तीन मरले का घर बनाना है और अभी कुछ घर बन रहे हैं जो एक साल की ए, तीन साल की इंस्टॉलमेंट पे इन हम उनमें एक साल में पोजीशन भी दे, दे देंगे ए, तीन मरले के घर और ज़बरदस्त से डाउन पेमेंट दें और थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट दें और ये ज़बरदस्त यानी कि ये मैं कहता हूँ ये अलकबीर टाउन में खुरम भाई और चौधरी औरंगज़ेब साहब खुरम साहब जो है सेल्स एंड मार्केटिंग के जो हेड हैं इनका विजन यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसलेट करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये घर बनाएं और कम इन्वेस्टमेंट पे उधर आके शिफ्ट हो जाएं ये देखो ये बड़ी बात है आप रेंट से बच जाते हैं देखें जी काशिफ साहब आप समझ रहे हो तो रेंट से बच जाते हैं लोग तो इस तरीके से ये है कि अच्छा मैं समझता हूँ उनका एक अच्छा विजन है मैं उनको अप्रीशिएट करता हूँ खुरम साहब को इस हवाले से और बाकी ये बाकी अगली जो सोसाइटी है अलकबीर और के हवाले से इसमें भी वो बता रहे थे कि हम बिज़नेस एक हब बनाना चाह रहे हैं बिजनेस के लिए ज़बरदस्त कमर्शल की जो है ना वहाँ एक्टिविटी होगी और ऐसा ज़बरदस्त कमर्शल होगा कि जो लाहौर की तारीख में पहले नहीं बना तो इसलिए कि वो उनका बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और इसको मेगा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं अलकबीर ऑर्चड को तो अलकबीर ऑर्चड का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है जो मुझे लग रहा है इसमें मेरी दोस्तों से रियल्टर भाइयों से जैन क्लाइंट से ये एक मौतबाना राय है जो बंदा भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा इन उसको रिटर्न अच्छा मिलेगा जो मुझे लग रहा है और जो यहाँ रिहायश भी करेगा उसको भी फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ एक बहुत ज़्यादा सोसाइटियाँ uh, और uh, जो है कमर्शल एक्टिविटीज़ और यूनिवर्सिटी uh, एयरपोर्ट ये सारी चीज़ें बनने जा रही हैं तो इसलिए स्मार्ट सिटी भी बिल्कुल साथ है और ऐसे गार्डन बिल्कुल अपोजिट है मेकडोनल्ड्स के एफ़ सी पहले ही आपके सामने वहाँ आबाद है और रौनक वाली जगह है पहले से आबाद इलाका पीछे से आपके मोटरवे गुजर रहा है सालकोट मोटर वे सामने से इस्लामाबाद मोटरवे सामने से जी टी रोड और काला शाह काकू इंटरचेंज आपके बिल्कुल साथ है तकरीबन टू पॉइंट फाइव किलोमीटर तकरीबन इंटरचेंज है तो इसलिए ये ज़बरदस्त है तो खुरम साहब को भी मैं अप्रीशिएट करता हूँ चौधरी औरंगज़ेब साहब को भी और उनकी पूरी मैनेजमेंट को जितनी अलकब टाउन के मैनेजमेंट है सबको अप्रीशिएट करता हूँ उनके रियल्टर जो खास करके मैं रियल्टर की बात भूल गया जो जितने रियल्टर हैं डीलर भाई हैं अलकबीर फैमिली अलकबीर के ऑथराइज सेल्स पार्टनर और जिनको लीड कर रहे हैं काशिफ शजा साहब और मैं उनको भी अप्रीशियट करना चाहता हूँ बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह से वो एक अच्छे तरीके से रियल्टर भाइयों को लीड कर रहे हैं जो अभी फ्रेश ही आपको पता है वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो इसलिए तमाम रियल्टर और तमाम कंपनी और तमाम मैं कहता हूँ एप्रिशिएट के काबिल हैं और इन हम भी उस फैमिली का हिस्सा बन गए और आपको पता ही है तो अल्लाह ताला आसानी करें हमारे लिए भी उनके लिए भी खैर वाले मामला करें हम भी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करें थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वालीबल टाइम हम बहुत मशहूर हैं कि आपने अपने कीमती टाइम से अपना कीमती टाइम दिया वालबल टाइम दिया जितना तो नाजरन ये थे इरफान मियू सी ओ ट्रस्ट एसोसिएट एंड सबका वाइस चेयरमैन डी एच एजेंट एसोसिएशन इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया अलकबीर ओशट के हवाले से इनका कहना था कि हंड्रेड परसेंट आँखें बंद करके आप इस पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी और लोगों का भरपूर अतमाद है आप आए जो हमारे जो कम आमदनी वाले अफराद हैं उनके लिए भी बड़ा नादिर मौका है कर तो करेंटीन के लिए घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हो आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं